हाउ कैन बी ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर. ये टॉपिक हमने पहले वाली क्लास में पढ़ ली थी कि कैसे डिफरेंट, मतलब जो हमारी एयर होती है उसको हम लोग कैसे, जो हमारी एयर होती है, एयर में जो गैसेस होते हैं उसको हम लोग अगर हमें प्राप्त करना है तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं. हम जानते हैं कि जो हमारा एयर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड इन टू द कंपोनेंट बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. अगर हमें इसको अलग करना है तो हमें फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे एयर है, एयर अगर है हमारे पास तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कंप्रेशन एंड कूल बाय द इंक्रीज प्रेशर, यानी कि एयर को पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा. कंप्रेस करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा. मतलब कंप्रेस और कूल करना है. ये चीज़ कब होगा, ये चीज़ तब होगा जब हम अपनी एयर को, सॉरी, जब हम अपने प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे यानी बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ यानी कि कम कर देंगे. आपको क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को क्या कर देना है, कम कर देना है. तो जो हमारी एयर होगी वो क्या जाएगी, कंप्रेस और कूल हो जाएगी. जब ये प्रक्रिया हो जाए तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड ऑफ एयर, यानी जो हमारी एयर हो जाएगी वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगी. फिर हमें क्या करना है, स्लोली फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के माध्यम से इसको क्या करना है, वार्म करना है, यानी इसको थोड़ा गर्म कर देना है. देन उसके बाद क्या होगा, जो हमारी गैसेस हो गए वो डिफरेंट हाइट पे अलग अलग हो जाएंगी. जैसे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन, एर्गॉन और नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट यानी उसका जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो अलग अलग है और वो डिफरेंट हाइट पे अलग हो गई हैं. आइए हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहे इफ़ यू वॉन्ट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर. अगर मान लीजिए आपको एयर से गैस चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी गैसेस हैं उन सबको हमें सेपरेट करना पड़ेगा. कहाँ से, एयर से. द एयर इज कंप्रेस बाय द इंक्रीज इन द प्रेशर. हमें पता है कि अगर हमें एयर को कंप्रेस करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है. और जब हम ऐसा करते हैं तो टेम्परेचर को जब डिक्रीज करते हैं तो ये हमारी जो एयर हो जाती है वो क्या जाती है, ठंड हो जाती है. टू गेट द लिक्विड फॉर्म, और वो जो हमारी एयर होती है वो हमें लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त हो जाती है. दिस लिक्विड इज अलाउड टू द वार्म अप स्लोली इन अ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. अब हमें क्या करना है, जो ये लिक्विड है, जो लिक्विड ऑफ एयर है, इसे हमें फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे इसको गर्म करना है. देन वेयर गैसेज गेट द सेपरेट इन द डिफरेंट हाइटेड. अब हमें जो गैसेज हैं वो सेपरेट हो जाएंगे डिफरेंट हाइट पे और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो उस पर डिपेंड होकर वो जो भी गैसेज होंगी वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी. कह रहे हैं सेपरेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एयर. आप इस डायग्राम को देखें और समझने का प्रयास करें कि जो भी एयर थे, यानी एयर, हमारे एयर में जो भी गैसेस थे उनको डिफरेंट वे से और डिफरेंट लाइन से क्या क्या किया, अलग किया गया. जब देखिए, फर्स्ट फिल्टर से क्या होती है, एयर आती है. एयर से फिर क्या होती है, एयर अंडर द प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है. फिर जो हमारी एयर होती है वो इस पाइप यानी हॉट पाइप के माध्यम से यहाँ पहुँचती है. फिर यहाँ पे आती है तो इसमें कुछ चीज़ें, यानी वाटर सप्लाई होता है और भी चीज़ें होती है, यानी कि जो हमारी कैसे तो जो मतलब हमारी एयर उसको ठंड करने के लिए यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है. जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस, यानी जो एयर होता है उसको कंप्रेस करते हैं. कंप्रेस इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी एयर वो क्या जाए, ठंडी हो जाए. फिर उसके बाद देख रहे हो आप कि एयर हमारी यहाँ से पास होती है. पास होने के बाद यहाँ से क्या हो जाती है, जो गैसेस होती है, अब पूरी प्रक्रिया यहीं शुरू हो जाती है कि वो अलग होना शुरू हो जाती है. यानी कि सेपरेट ऑफ दम जो गैसेस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ से निकल जाएगी. बाकी जितनी भी गैसेस बचती हैं, यानी वो जो लिक्विड के फॉर्म में होती हैं, वो आपकी नाइट्रोजन और एर्गन यहाँ से निकल जाती है. और फिर जो लिक्विड एनर्जी लिक्विड यानी ऑक्सीजन जो होता है वो आपके लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो दूसरे पैनल से निकल जाती है. यानी कि हर गैसेस का अलग अलग मुख है और अलग अलग जाने का रास्ता बनाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जाने का जो रास्ता है वो अलग है, ठीक है. ऑर्गन नाइट्रोजन को सेपरेट करने की जो क्रिया है वो भी अलग है. और फिर जो बचता है, जिसे हमको क्या कहती है, लिक्विड एंड ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन को आप प्राप्त कर सकते हो अलग मेथड के माध्यम से. यानी कि हर गैस, हर जो मतलब जो भी आप जब ऐसी जो प्रक्रिया होंगी, यानी सबसे पहले अगर एयर आएगी, एयर से हमने क्या किया, एयर को मतलब प्रेशर को हमने क्या कर दिया,
प्रेशर, मतलब यहाँ प्रेशर लगाया, प्रेशर करने के बाद जो भी एयर बचती है वो हमारे इस कॉलम में आती है। इस कॉलम में क्या होता है, वाटर होता है जो कि एयर को क्या करती है, ठंड करती है, और ठंड होने के बाद जो हमारी एयर होती है वो कोल्ड हो जाती है। फिर जितनी भी गैसेस होती है वो यहाँ पर आती हैं, फिर यहीं पर सारी जो क्रियाएँ होती हैं यानी कि सेपरेटर जो गैसेस होती है वो प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, फिर जो लिक्विड ऑफ एयर बचती है वो नाइट्रोजन ऑर्गेन यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, और फिर जो हमारा जो हमें जो गैसेस चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए होता है ऑक्सीजन गैसेस चाहिए जहाँ होता है, वो आपको दूसरे पैनल में मिल जाता है। तो देखो यार होता क्या, सिंपल सा है कि सेपरेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एयर है वो ऐसे ही क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अभी देखो क्या करना है, कह रहे हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, यानी कि जो आपका कॉपर सल्फेट है, प्योर कॉपर सल्फेट है, उसमें से आप इम्प्योर सैंपल कैसे निकालोगे, बाहर कैसे निकालोगे। तो कह रहे टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ अ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना क्ले, यानी मिट्टी के बर्तन में आपको ये इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेना है। फिर उसमें क्या करना है, आपको डिजॉल्व कर देना है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, देन उसको फिल्टर कर देना है फिल्टर पेपर से। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर देने के बाद उसको आप एवोपरेट करोगे, किसको एवोपरेट करोगे, कॉपर सल्फेट को, और फिर उसको आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या कर दोगे, मतलब जो भी आपको मिलेगा फिर वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब गाढ़ा तत्व मिल जाएगा। कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर, फिर आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर के माध्यम से जो सॉल्यूशन आपको मिला है यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो मिला है उसको आपको कवर कर देना है, और फिर उसको छोड़ देना है बिना छेड़े ओड़े, ठीक है, एज अ रूम टेम्परेचर, उसको धीरे धीरे आप ठंडा होने दो। यू विल बी ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश, आपको मिलेगा क्या, उसमें क्रिस्टल कॉपर सल्फेट मिलेगा आपको चाइना डिश में। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा अच्छा कह रहा है कि द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू द प्योरीफाइड सॉलिड फ्रॉम, सॉरी कह रहा है अगर मान लीजिए आपको किसी भी प्योरीफाइड सॉलिड से, कह रहे द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू द प्योरीफाइड सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल हम लोग प्योरीफाइड सॉलिड के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सैल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, यानी कि आप सी वाटर से आप सैल्ट प्राप्त करते हो, तो उसमें हम जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उस इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू द क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फ्रॉम द क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग चीज़ों यानी कि जो प्योर सॉलिड होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग अलग करने का काम करते हैं फ्रॉम द क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्रिस्टल के माध्यम से क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से चीज़ों को अलग करने का काम करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ अ बेटर देन द सिंपल एवोपरेटेड टेक्निक्स, यानी जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ये एवोपरेशन टेक्निक से क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो कह रहा है कि सम सॉलिड डिकम्पोज और सम्स लाइक सुगर मे बी गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू द ड्राइनेस, कह रहा है सम इम्प्योरिटीज मे बी रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑन द एवोपरेशन, दिस इज अ कंटिमिनेंट ऑफ द सॉलिड। नाउ एप्लीकेशन जानते हैं इसके बारे में, कह रहे एप्लीकेशन ऑफ सैल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है हम लोग सी वाटर से सैल्ट को प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द एलम फिटकरी फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल, यानी जो हमारी फिटकरी होती है, फिटकरी जो भी इम्प्योर सैंपल हो तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। दॉ बाय द चूसिंग ऑफ वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर वी गेट प्योर सब्सटेंस विद द एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी मिनी मोर मेथड ऑफ द सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डे विजड, यानी कि
देखो जो भी नेचुरल यानी नेचुरल में हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं उसमें स्वाभाविक सी चीज़ें हैं या इम्प्योरिटी होती है, तो उस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए, उस इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए हमें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यही ऐसे मेथड हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेपरेट करके अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इन द सिटी ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्कम, ठीक है, हमारे सिटी में जो भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है, ठीक है, काम करने के लिए। अ फ्लो डायग्राम ऑफ द टाइपिकल्स वाटर्स वर शोन इन फिगर 2.30 में हम लोग देख सकते हैं। वोट दिस फिगर, ये फिगर हमें क्या बता रहा है, इसका क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें की कैसे हमारे मतलब कि स्टार्टिंग गाँव से होती है और जो सप्लाई का पानी आता है वो हमारे घर तक कैसे पहुँच पाता है, इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। देखो होता क्या है, अच्छा डायग्राम में हमें बताया गया है कि कैसे हमें प्योरिफिकेशन सिस्टम से वाटर वर्क करता है, यानी जो प्योरिफिकेशन है यानी जो वाटर का प्योरिफिकेशन होता है वो इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, आप देख सकते हो डायग्राम के माध्यम से। जो भी वाटर होता है रिजर्वायर के माध्यम से हमें पानी प्राप्त होता है, फिर उस पानी को हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक एक ऐसा टैंक होता है जहाँ पे कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ें होती हैं वो आकर यहीं पे सेटल हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जो पानी पहुँच मतलब हमारा बचता है वो हमारे लोडिंग टैंक में पहुँचता है। लोडिंग टैंक में क्या होता है, जितने भी मतलब अब जो पानी है, पानी में जो भी और भी जो इम्प्योरिटीज अभी मिली हुई हैं जो तैर रही होती हैं वो लोडिंग टैंक में आकर रुक जाती हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है वो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक होता है। फिल्ट्रेशन टैंक में जो हमारा वाटर बचता है मतलब होता है वो यहाँ पे पहुँचता है, और यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन टैंक में बहुत सी प्रक्रियाएँ होती हैं जिससे वाटर जो होता है उस छोटे छोटे जो सैंड्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं और भी जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो सब का सब फिल्ट्रेशन टैंक पर आकर स्टॉप हो जाते हैं। देन उसके बाद जो हमारा होता है क्लोरिनेशन किया जाता है। क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारा पानी होता है उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो उसको इस टैंक में आकर ख़त्म कर दिया जाता है। देन उसके बाद हमारा जो पानी होता है वो हमें सप्लाई कर दिया जाता है हमारे घरों तक में। तो हम समझ गए कि कैसे फिल्ट्रेशन यानी कि कैसे फ़िल्टर किया जाता है वाटर को, तो इसकी जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो ऐसे ही स्टेप टू स्टेप चलती है। अच्छा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल समझना, फिजिकल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसमें किसी प्रकार का कोई अंदरूनी चेंज नहीं आता है वो हमारा फिजिकल मेथड कहलाता है। केमिकल चेंज होता है जिसमें हमारा अंदरूनी से पूरा पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मैंने कोई लोहे का मतलब लोहा लिया है, फिर ऐसी कोई चीज़ मतलब लिया है लोहा लिया मान लीजिए, उसमें अपनी फिजिकल लगा रहा हूँ, फिजिकल मतलब उसको पीट रहा हूँ, तो क्या हो रहा है अपना आकार बदल रहा है, ठीक है, यानी उसमें होता क्या है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि हार्डनेस होता है, कलर होता है, रिगिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब पे वो निर्भर करता है हमारा फिजिकल पॉइंट। केमिकल जो चेंज होता है वो क्या करता है, वो एक नए यानी न्यू सब्सटेंस में उस चीज़ को परिवर्तित कर देता है, वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, चीज़ें होती हैं वहीं लेकिन अगर हमने उसको मतलब उसमें अगर कोई परिवर्तन किया तो उसको हम लोग फिर से रिपीट कर सकते हैं। यानी अगर बनाया तो अगर जैसे हमने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, तो पानी में हमने उसको क्या किया, फ्रिज किया, जब फ्रिज किया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई, और किस में चेंज हो गई, हार्डनेस चेंज हो गई, यानी लिक्विड था, लिक्विड से हमने उसको सॉलिड कर दिया, सॉलिड हमने गैसेस कर दिया, तो हम जो पानी है इस प्रोसेस को लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी पानी तो पानी है पर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट केमिकल चेंजेस क्या होता है, वो पूरा का पूरा एक नया सब्सटेंस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। लेट सपोज करो मैंने एक गिलास दूध लिया और उस दूध में मैंने थोड़ा से मतलब थोड़े अमाउंट में मैंने क्या कर दिया है,
मतलब कर्ड मिला दिया है या मट्ठा मिला दिया है, तो कुछ समय बाद देखूंगा कि जो मेरा दूध है वो पूरा का पूरा किस्में चेंज हो जाएगा, पूरे का पूरा वो मट्ठे में यानी कर्ड में चेंज हो जाएगा। यानी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो अब कर्ड का ले लिया है, दूध से वो किस्में बदल गया है, कर्ड में बदल गया है। अब मैं सोचूँ कि जो ये कर्ड है, कर्ड से मैं फिर से इसको दूध में परिवर्तित कर दूँ, यानी फिर से मुस्सी में चेंज कर दूँ, तो ये असंभव है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये केमिकल चेंजेस हो गए। यानी इसमें जो भी चेंजेस हो गए वो किससे हो गए, केमिकल चेंजेस हो गए। ठीक है, नाउ कह रहे द इंटर कन्वर्सन्स ऑफ स्टेट इन द फिजिकल चेंजेस बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट द चेंज ऑफ द कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑल्थर दिस वाटर वर्क। ठीक है, मैंने वही चीज बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में यही सारी जो बदलाव होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, कह रहे बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर द लिक्विड। अच्छा, हमसे यहाँ पे ये कह रहा है कि वाटर और कुकिंग ऑयल जो है वो दोनों को दोनों लिक्विड है, पर होता क्या है, यहाँ पे जो केमिकल करेक्टरिस्टिक हैं वो दोनों के क्या हैं, डिफरेंट हैं, दे डिफर इन ऑर्डर्स इनफ्लेमेबिलिटीज। ठीक है, ये सब कुछ इसमें अलग है। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर, हमें पता है कि जो ऑयल होता है वो एयर में क्या करने लगता है, जलने लगता है। वेयर वाटर इज द एक्सटेंसर फायर, और ये वाटर जो होता है उसको बुझाने का काम करता है। इट दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक डिफरेंट फ्रॉम द वाटर, यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि पानी को ऑयल से एकदम डिफरेंट कर देती है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, जो जलना होता है, ठीक है, जो जलना होता है वो क्या कहलाता है, केमिकल प्रोसेस कहलाता है। यानी केमिकल चेंजेस में हो रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है, जल रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद द अनदर, ये क्या करता है, ये एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, और अंडर्स गोज टू द चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और इसके केमिकल कंपोजिशन क्या कर देता है, पूरी तरीके से बदल देता है। केमिकल चेंज ब्रिंग सम चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, हमें पता है कि जब भी किसी भी चीज़ में केमिकल प्रॉपर्टी का कोई भी चेंजेस आता है तो वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में तो परिवर्तित कर देता है, लेकिन नए सब्सटेंस में। यानी कि जैसे अभी हमारा जूस दूध था वो एक सब्सटेंस था, लेकिन हमने क्या किया था, उसमें थोड़ा से कड़ मिला दिया था, और जब हमने उसमें कड़ मिलाया तो वो पूरा का पूरा जो दूध था वो, सॉरी, जो हमारा दूध था उसमें थोड़ा सा कड़ मिलाने से वो पूरा का पूरा चेंज किसमें हो गया, वो पूरा ग्लास भरा हुआ जो दूध था वो कड़ यानी कि मट्ठा का रूप ले लिया, और जो कड़ का जब रूप ले लिया तो ये पूरी तरीके से केमिकल चेंजेस हो गया, यानी दूध से मट्ठा में कन्वर्ट हो जाना केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, यानी एक नया सब्सटेंस में उसको क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है दूध से मट्ठा मिलाना, यही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंजेस कहलाता है। अ केमिकल चेंजेस आल्सो कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल चेंज होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो कह रहे ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल जल रही होती है तो उसमें दो चीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है और साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। केमिकल प्रॉपर्टी तब होती है जब कैंडल जल रही होती है, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी तब होती है जब कैंडल की साइज क्या हो रही होती है, छोटी हो रही होती है। तो ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, यू कैन द डिस्टिंक्शन दिस। ओके, अच्छा, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो 2.5, कह रहे वॉट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो सब्सटेंस है उसको क्लासिफाइड किया गया है दो चीज़ों में, एक एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में, एलिमेंट में और दूसरा हमारा कंपाउंड में। अब जानते हैं कि एलिमेंट होता क्या है, ठीक है, अच्छा, कह रहे रॉबर्ट्स बॉयल्स वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म ऑफ एलिमेंट 1661, ठीक है, एंड रॉबर्ट बॉयल एक पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1661 में एलिमेंट को बताया था। एंटोनी लॉरेंटम लोवीसियर्स 1743 टू 1944, ये एक ऐसे फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने
फर्स्ट एस्टेब्लिश एंड एक्सपेरिमेंटली यूज डिफाइन ऑफ द डिफाइंस ऑफ एन एलिमेंट, जिन्होंने एलिमेंट की डिफाइन को बताया था. ही डिफाइन एंड द एलिमेंट ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस. यानी ही डिफाइन, उन्होंने डिफाइन किया था कि जो एलिमेंट होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको हम लोग और छोटा टुकड़े नहीं कर सकते हैं. ये क्या है, ये सिंपलर सब्सटेंस है बाय द केमिकल रिएक्शन. जैसे मान लीजिए कि आपको सोडियम दिया गया है, ठीक है, एन ए दिया गया है, ये क्या है, अपने आप में एक एलिमेंट है. अब सोचो कि इस एलिमेंट को तुम और छोटे इसके टुकड़े कर सकते हो, क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है. यानी कि सोडियम तो एक मेटल है ही है, तो अब सोचो कि इस मेटल को तुम और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, ये चीज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता. एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इंटू द मेटल एंड नॉन मेटल्स और द एंड मेटोलाइड. जो एलिमेंट है उसको नॉर्मली डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटोलाइड. कह रहे मेटल यूज सो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. जो हमारा मेटल होता है ये चमकता है, दे हैव अ सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ठीक है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इन टू द वायर, ठीक है, दे आर द मेलेबल्स, दे कैन हार्म इन टू द थिंग सीट, ठीक है, दे आर सोनोरस, मेक द रिंगिंग ऑफ द साउंड वेन हिट. एग्जाम्पल ऑफ द मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा. मर्करी इज द ओनली मेटल दैट लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. यानी जितने भी ये मेटल हैं, सोल्ट, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सारी चीज़ें, पर जो मर्करी होता है ये भी क्या है, एक मेटल है, लेकिन किसके रूप में है, ये लिक्विड के फॉर्म में है. अब आते हैं नॉन मेटल. नॉन मेटल सो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. इसकी भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे दे डिस्प्ले ऑफ द वैरायटी ऑफ अ कलर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्टर सोनोरस और द मेलेबल्स. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर द हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन, कोल, ब्रोमाइन, क्लोराइड, सम एट्सेट्रा इज नॉन मेटल. सम एलिमेंट हैव अ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और साथ साथ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है. दे आर, जैसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटोलाइट कहते हैं. एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, गैरमेनियम, ये जितने भी मेटल हैं, जितने भी ये एलिमेंट हैं, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये आपके मेटोलाइट की कैटेगरी में. अच्छा, अब हमें क्या करना है, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटोलाइड हैं, इन सब के एग्जांपल अच्छे से याद करने हैं और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासतौर से मेटोलाइड के कितने भी एग्जांपल हो, इसके एग्जांपल, इसके डिफाइन, ठीक है, ये सब कुछ आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है. अब हमारा आता है मिक्सचर एंड कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लेते हैं कंपाउंड. अच्छा, क्या दिया है यहाँ पे, मोर टू नाउ कुछ और जानते हैं. कह रहे द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज द प्रेजेंट आर द मोर देन 100, ठीक है, 92 एलिमेंट आर द नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट ऑफ द मैन मेड. मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर द सॉलिड. यानी अधिकतर कुछ ऐसे, मतलब जितने भी, मतलब कि
सॉलिड जो एलिमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट जो कि गैसियस में होते हैं एज अ रूम टेम्परेचर। दो जो एलिमेंट होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे होते हैं, जैसे मरकरी आपका मेटल हो गया, ठीक है। मरकरी जो है आपका क्या है, मेटल है, लेकिन किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ब्रोमाइन आपका क्या है, मेटलॉइड है, जो कि किसके रूप में है, लिक्विड के रूप में है। एलिमेंटम गैलियम सीजियम्स बिकम द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। यानी अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर से थोड़ा और क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो जो एलिमेंटम गैलियम सीजियम है ये भी क्या जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में हो जाएंगे। करेक्ट, कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट। अभी तक तो हमने पढ़ लिया एलिमेंट, सॉरी हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट, हाँ चलो कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट, द केमिकल कंबाइंस विद द अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी जो हमारा कंपाउंड होता है क्या होता है, दो और दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और उस कैसे मिलकर बना होता है, केमिकली कम्बिनेशन होता है, जिसका फिक्स प्रपोर्शन होता है वो हमारा कंपाउंड कहलाता है। यानी फिक्स प्रपोर्शन पे केमिकली कंबाइंड दो एलिमेंट मिलकर बने होते हैं, हमारा कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू मोर और एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद वन एंड अदर इज फिक्स पोर्शन इज नोन एज अ कंपाउंड। वॉट डू यू वी गेट वन टू और मोर एलिमेंट आर कम्बाइंड। कह रहा है कि हमें क्या मिलेगा, वॉट डू वी गेट वन, जब हम लोग दो और दो एलिमेंट को क्या करेंगे, कम्बाइन करेंगे तब। तो जिसे हमने क्या किया, दो अगर एलिमेंट मिला है, जिसे मैंने क्या कर लिया है, एक सेकेंड, जिसे मैंने क्या कर लिया है, एन ए एक कंपाउंड ए और दूसरा सी एल। तो कह रहे हैं वेन What do we get when two or more element are combined? तो जब दो और दो element में मिलाऊंगा तो क्या करेगा, देखो इसमें chemically इसका fixed proportion सबसे मिलकर क्या बना है, दो element से मिलकर एक नया compound form हो गया है, that means NaCl, okay? Now अब हमारा आता है mixture and compound। जानते हैं इसका property mixture and compound की, कह रहे मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्मेड। यानी इसमें किसी, अगर आप चाहे मिक्सचर कंपाउंड को मिक्स करोगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। पर कंपाउंड क्या होता है, जब आप किसी भी एलिमेंट को रिएक्ट करवाते हो तो वहाँ पर एक नया कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म होता है। मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है, ये क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। पर कंपोनेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस। यानी हर कंपोजिशन का एक नया सब्सटेंस होता है जो कि सदैव क्या होता है, फिक्स होता है। अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी जो मिक्सचर होता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस सॉरी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। पर कंपाउंड्स क्या करता है, द न्यू सब्सटेंस हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी जो न्यू सब्सटेंस आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है पूरी की पूरी क्या होती है, बदली होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट फेयरली इजली एंड फिजिकली मेथड, यानी जो ये मिक्सचर है इसमें जो हम लोग चीज़ें को अलग करते हैं वो बहुत आसानी और फिजिकली मेथड के माध्यम से उसको आसान कर सकते हैं। पर
द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट ओनली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंट को हमको क्या करना है, अलग करना है, तो हमें फिजिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा चीज़ों को अलग करने के लिए। तो मिक्सचर और कंपाउंड का केवल और केवल इतना ही डिफरेंट है। तो आई होप चैप्टर समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा मैटर देख लेते हैं। देखो जो मैटर होता है वो सदैव तीन फॉर्म में पाया जाता है, पहला सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैटर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो कहोगे सर मैटर दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर के फॉर्म में होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि यार प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो सर कहोगे सर प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ पाया जाता है, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, और मिक्सचर में सर दो चीज़, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। हमें पता है कि प्योर सब्सटेंस, अभी हमने एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि जो एलिमेंट होता है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन अ सिंपल सब्सटेंस, यानी ये एलिमेंट क्या होता है यार, एक ही एलिमेंट होता है, आप इसको तुम और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दो तो ये संभव, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मरकरी हो गया। कंपाउंड क्या होता हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। जिससे मान लो NaCl दिया तो NaCl को आप अलग अलग कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वाटर दिया है, WHO दिया है, क्या आप इसको अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो कंपाउंड के एग्जाम्पल में आते हैं। फिर आता है मिक्सचर, क्या होता है यार, मिक्सचर होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस जिसे ये क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पर ये हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, वाटर हो गया, सैल्ट हो गया, ठीक है, और इसके एग्जांपल जो कि आपके सैंड हो गया। देखो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और होमोजीनियस मतलब होता है सेम, ठीक है, यानी जो जिसे हेट्रो में जिस हेट्रोजीनियस, फॉर एग्जांपल जिसे आपने क्या लिया, एक ग्लास वाटर लिया और उस वाटर में आपने क्या कर दिया, सैंड मिला दिया, तो आप देखोगे कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको दिखेगी, यानी पानी भी दिखेगा साथ साथ सैंड भी दिखेगा। पर होमोजीनियस में अगर आप सोचो एक गिलास पानी लो, उस पानी में आप चीनी घुला दो, तो क्या आपको चीनी उसमें दिखेगी क्या, नहीं, वो टोटली क्या हो जाएगी, वाटर में मिक्स हो जाएगी। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये एग्जांपल है, बहुत बेस्ट एग्जांपल, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो यार होमोजीनियस एग्जांपल क्या है। तो वाटर इज शुगर सॉल्यूशन जो हो गया, जिससे आपका ये क्या हो गया, होमोजीनियस का मिक्सचर हो गया। सैंड सॉल्यूशन ये क्या हो गया, आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो आप ऐसे जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। चलो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और इसके आप जो भी नोट्स हैं वो तैयार करें।